नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पूरे इस समय जहाँ पे छात्र संगठन अभी भी है मौजूद और जीवित हैं, वहाँ पे अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंट और प्रयागराज से, जो कि इस समय जो कि अभ्यर्थी अपने हक़ की लड़ाई के लिए कि संविदा की जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, साथ में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे दुख हैं जो कि सभी चीज़ों को लेकर के एक साथ जो कि संगठन बना करके सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के विरोध में अपने जो कि बातों को रख रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं। तो आज यहाँ दोस्तों आप लोग वीडियो देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, कुछ तमाम प्रकार की कई कई जगहों पर ऐसे करके आंदोलन वगैरह हुए हैं। तो इन सभी जगहों की वीडियो मैं आप सब लोग अगर ज़रूरत के हिसाब से देता रहूँगा, लेकिन अभी जो वीडियो आप सब लोग के सामने उस हिसाब से आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्र किस हिसाब से नाराज़ हैं और साथ में किस हिसाब से परेशान हैं। तो हर एक चीज़ आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो देखते रहिए और साथ में वीडियो आप सब लोग को आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट छोटी से बड़ी वो दी जाती है। साथ में चैनल पे वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर एक न्यूज़ अपडेट आप सब लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा। नियम को भी वापस लिया जाए, इसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं। प्रशासन से हमारे लोग की बातचीत चल रही है, हम प्रशासन के आगे झुकने वाले नहीं, हम लोग इनसे बात करके ही हम आगे निकलेंगे और इनका साथ हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आज हम चुप बैठ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गाली देंगी, हमें आने वाली संतानें हमारी गाली देंगी कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए क्या छोड़ के गए। रेलवे का निजीकरण, पुलिस सेवा समाप्ति, अध्यापक सेवा समाप्ति, 5 वर्ष की संविदा, बेरोजगारी सहित ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके खिलाफ आज युवा यहाँ पर सड़क पर एकत्रित हैं। और आप देख सकते हैं कि आवाज जो है ये बहुत दूर तक जाएगी और प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है।